हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं लखनऊ से चेन्नई का जो आज मैच होने वाला है। अगर आप भी ड्रीम इलेवन पे अपनी टीम बनाते हैं और 1 करोड़ रुपए विन करना चाहते हैं तो आज आपको भी पिच के बारे में समझना पड़ेगा, वहाँ पे कितना एवरेज स्कोर जाता है, कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, कौन मैच जीतेगा और किसने कितने मैच जीते हैं, सारी डिटेल बात करने वाले हैं। चैनल पर नया है, बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आपको बता दें, आज का मैच जो लखनऊ से चेन्नई खेला जाएगा या इकाना लखनऊ में खेला जाएगा, और आपको पिच पता है ये स्लो पिच है, एवरेज स्कोर जाता है 150 और स्पिनर को अच्छे विकेट मिलते हैं। और इन दोनों टीमों का मुकाबला 1-1 हुआ है, मतलब 1-1 विन हुई है, 2 मैच हुई है। और आपको बता दें, सीएसके के कौन से प्लेयर आपको पिकअप करना चाहिए अपनी ड्रीम इलेवन टीम में, डी कॉनवे और शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, थिक्षाना और मोइन अली। दोस्तों, आपको बता दें मोइन अली को क्यों बताया, मोइन अली इस ग्राउंड पर इन्होंने 19 रन 4 विकेट, 35 रन और 2 विकेट इन्होंने सीएसके के अंगेस्ट निकाले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ का इस ग्राउंड पे आपने रिकॉर्ड देखा ही होगा, 40-80-51, इस ग्राउंड पे 40-80-51 मारना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पे आपको पता है बिल्कुल रन जाते ही नहीं। शिवम दुबे का लास्ट 27-49, डी कॉनवे 47-19 इस ग्राउंड पे अच्छा स्कोर है। उसके बाद आपको बता दें कि लखनऊ के कौन से प्लेयर आपको पिकअप करना चाहिए, आयुष बदोनी, मार्कस स्टोनिस, कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई को आपको अपनी टीम में पिकअप करना चाहिए। दोस्तों, हमने बैट्समैन क्यों नहीं ज़्यादा लखनऊ के बताएं, आपको बता दें इस ग्राउंड पे आपको पता है ये बॉलिंग पिच है, विकेट ज़्यादा निकलेंगे तो आपको सीधी सी बात है ऑलराउंडर और जो है मतलब बॉलर ज़्यादा पिकअप करने चाहिए। तो आपको बता दें इनमें से किसका रिकॉर्ड अच्छा है, कुणाल पांड्या जो है लास्ट के मैचों में 3 विकेट 15 रन 34 रन 1 विकेट 2 विकेट इन्होंने सीएसके के अंगेस्ट निकाले हैं, मतलब इनका अच्छा परफॉर्मेंस है इस ग्राउंड पे, तो इनको आप पिकअप कर सकते हैं। रवि बिश्नोई, इन्होंने सीएसके के अंगेस्ट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, समझ लीजिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है। मार्कस स्टोनिस, आपने पिछला रिकॉर्ड इनका देखा ही होगा। आयुष बदोनी, इनका भी अच्छा रिकॉर्ड है, इनको भी आप अपनी टीम में। लास्ट में हम लोग प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। कल हमने जो बताया था दिल्ली टीम जीती थी, आज की मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो सीएसके मैच जीतेगी क्योंकि उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, ये था आज का प्रेडिक्शन और टीम बनाइए और जीतिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो शेयर करिए, और आपको इससे रिलेटेड रोज की टीमें और रोज के प्लेयर्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।